हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी फ्री फायर में कस्टम रूम बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फ्री फायर में हम कस्टम रूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। So, यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फ्री फायर में कस्टम रूम कैसे बना सकते हैं, कस्टम रूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने फोन में फ्री फायर को ओपन कर लिया है। चलिए इसे यहाँ पे टैप करते हैं, ओपन करते हैं इसे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आईडी है वो यहाँ पे सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। फटाफट से इसे कट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉबी में हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे हमें कस्टम रूम क्रिएट करना है। तो कस्टम रूम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिक का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप मैप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कस्टम का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे कस्टम लोगों ने बनाए हुए हैं, वो यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है। फिलहाल मुझे कस्टम रूम बनाना है तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ नीचे। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म सा खुल जाता है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस तरह से कस्टम क्रिएट करना है। अब क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि कस्टम रूम बनाने के लिए आपको कस्टम कार्ड्स की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक कस्टम रूम का कार्ड है। तो ये कार्ड होगा तभी आप कस्टम रूम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे ऊपर है रूम का नेम, तो रूम का आप जो भी नेम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ नेम जो है वो डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे है पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद नीचे दिया हुआ है गेम मोड। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा मोड में रूम को क्रिएट करना चाहते हैं। काफी सारे मोड हैं जो भी इनमें ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रस आवर, उसके बाद क्लैश स्क्वाड, ये सब है, टीम डेथ मैच। तो आपको जो भी सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल क्लासिक रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे दिया हुआ है मैप, कौन सा मैप में आप जो है इसे खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे दिया हुआ है गेम मोड, गेम मोड में आप सोलो, डुओ या फिर स्क्वाड, जो भी आपको करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं फिलहाल सोलो ही रहने देता हूँ। ड्रॉप लिस्ट में आप यहाँ पे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। नीचे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स में आपको कितने प्लेयर रखने हैं गेम में, तो यहाँ से आप इसे कम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 48 ही कर सकते हैं। इधर स्पेक्टर्स दिया हुआ है कि गेम को कितने लोग स्पेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसे कम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे 4 कर देता हूँ। उसके बाद नीचे कंफर्म का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि आपका जो रूम कार्ड है वो यूज होगा, मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रूम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब जिसे भी आप इन्वाइट करना चाहते हैं, जिसे भी आप रूम में ऐड करना चाहते हैं, उसे आप बहुत ही आसानी से यहां से ऐड कर सकते हैं। इनवाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, इनवाइट फ्रेंड्स, यहां पे क्लिक कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड के लिस्ट होंगे वो यहां पे आपको खुल के आ जाएगा। यहां पे आपको जिसे भी इनवाइट करना है आप इनवाइट करेंगे और इधर जो है फ्रेंड जो है वो ऐड होते जाएगा। और एक बार जब आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद आप यहां से स्टार्ट कर देंगे और आपका जो गेम है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी जो है अपने फ्री फायर में कस्टम रूम क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम रूम बना सकते हैं।